नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 में। देखिए, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपके लिए एक यूनिक और बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर की क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका परीक्षा उपयोगी है। अगर ये परीक्षा उपयोगी न हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत से चैनल आसान आसान क्वेश्चन देते हैं और उनका तो आपको पता होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बहुत लाइक करते हैं, उनके कमेंट आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, डिमांड रखते हैं कि सर ऐसी वीडियो लेकर आए, सर वैसी वीडियो लेकर आए, सर ऐसे क्वेश्चन पुट किया करो, आप आसान क्वेश्चन मत पुट करना। तो ये बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास, तो आप जो है कहने के अनुसार ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, भाई सबसे पहले इस चैनल पर जो नए नए जुड़े हैं पहले इस चैनल को देख लीजिए, परख लीजिए कैसा पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको अगर लगे कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो देखिए, हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888 आपका फेवरेट स्टडी चैनल है स्टडी 888। और इस चैनल को ऐसे पंख लगे हैं कि यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी 6-7 दिन तक थोड़ा सा क्या है कि डिस्टर्ब रहा था शेड्यूल, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है तो बाहर भी घूमने जाना पड़ सकता है, तो इसलिए बाहर घूमने जाने की वजह से जो है कभी फोन रेंज में रहता था तो कभी नहीं रहता था, तो लेट तक जो है वीडियो अपलोड होती थी और जैसी भी होती थी टाइम मिलता था वैसी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती थी। आपकी स्टडी में बाधा बिल्कुल भी नहीं आने दी कभी भी, और जैसे भी समय मिलता गया हमने आपके लिए वीडियो अपलोड करते गए हैं। तो स्टडी करवाना एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा जो प्रोफेशन है, इसमें हम कभी भी लापरवाही नहीं बरत सकते, क्योंकि यह बहुत से स्टूडेंट्स की फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक मैटर होता है और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो सीरीज, जिसमें है करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बल्कि इसमें हरियाणा करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। देखिये कितने ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या है, निक्षय मित्र या क्षय रोग, निक्षय मित्र व क्षय रोग यानी कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है। तो एक अभियान चलाया गया है निक्षय यानी निक्षय रोग या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं टीबी से मुक्त एक अभियान चलाया गया है, भारत को मुक्त करना है और इस अभियान का जो दूत है राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है, तो वो है दीपा मलिक, हरियाणा की ये बहुत ही अच्छी जो है खिलाड़ी हैं और ये इसके दूत बनाए गए हैं दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर टू है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है भारत के नीरज चोपड़ा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये भी, और ये किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, तो ये बताना है स्विट्जरलैंड के ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, किस हरियाणवी ने नई दिल्ली में आयोजित IUKL विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीते हैं। तो दिल्ली में एक IUKL विश्व चैंपियनशिप हुई है और इस चैंपियनशिप में हमारे हरियाणा का एक खिलाड़ी है जिसने नई दिल्ली में हुए इस आयोजन में 2 रजत पदक जीते हैं और जिसका नाम है प्रेम राजपूत। क्या नाम है,
प्रेम राजपूत, है ना, गजब के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान, संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो संस्कृत में साहित्य अलंकार का एक जो है सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार के लिए और इस सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए किसे चुना गया है, तो डॉक्टर देवी सहाय पांडे को, डॉक्टर देवी सहाय पांडे को जो है चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 किसे दिया गया है। 2021 का हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया गया है, और ये किसे दिया गया है, प्रोफेसर कमला भारद्वाज को। किसको, प्रोफेसर कमला भारद्वाज को जो है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 दिया गया है। तो इतने अच्छे क्वेश्चन है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, और सुनते सुनते आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लिंक जितने से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक बहुत ही बढ़िया जो है चैनल का प्रोत्साहन आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, और चैनल भी जो है आप लोगों की इस प्रोत्साहन की वजह से अपने उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक जाने के लिए बेताब है। अभी और ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है इस चैनल को, और इस चैनल को आगे बढ़ाने का कार्य केवल आप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी अन्य एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आप लोगों के द्वारा ही इस चैनल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप ही अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने मेट्स, क्लासमेट्स सबसे आप ये चैनल का लिंक शेयर करें, और उनको ज्यादा से ज्यादा जो है इस चैनल से आप अटैच करें, और इस तरह से हमारा चैनल पब्लिसिटी करने के बजाय अपने आप ही अपने गुणों के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, किस हरियाणवी राजनेता को कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो हरियाणवी एक राजनेता है जिसको कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि दी है, और वो है ज्ञानचंद गुप्ता को। ज्ञानचंद गुप्ता को ये डायरेक्टरेट की उपाधि दी है कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। जापान की एक कंपनी है जिसने हरियाणा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, मतलब जो गंदा पानी है उसको रिसाइकल किया जा रहा है इस प्लांट में। तो ये प्लांट जो है कहाँ लगाया गया है, ये लगाया गया देवली में। कौन सा गांव है, देवली नामक गांव में ये प्लांट लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कितने जजों ने शपथ ग्रहण की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो हाल ही में एक साथ कितने जजों ने जो है शपथ ग्रहण की है, तो वो है 10। 10 जजों के द्वारा एक साथ शपथ ग्रहण की गई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हरियाणा सरकार ने किस हरियाणवी फिल्म को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री किया है। तो हरियाणा सरकार ने एक फिल्म को जो है 6 महीने के लिए बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उस फिल्म का नाम है दादा लक्ष्मी चंद। क्या नाम है, दादा लक्ष्मी चंद फिल्म को जो है बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को किस जिले से लॉन्च किया गया है। तो देखिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ है, और ये हरियाणा के किस जिले से शुरू हुआ है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है रोहतक। रोहतक से ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एक जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है रोहतक जिले से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रदेश के किस जिले में सीएम ने एक एग्रीटेक का उद्घाटन किया है, तो वो कौन सा जिला है। एक एग्रीटेक का उद्घाटन किया है जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट को, विकास को बड़ी रफ्तार मिलेगी उस क्षेत्र में, और वो क्षेत्र यानी कि वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है पलवल। पलवल जिले में एग्रीटेक की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ। तो राज्य जो हैं
हमारे देश के अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों के गृह मंत्रियों का एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया। और ये चिंतन शिविर जो है कहाँ आयोजित किया गया, ये वहाँ आयोजित किया गया जहाँ हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है फरवरी के महीने में, और ये सूरज कुंड में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किस जिले में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 48वीं रीजनल वर्कशॉप हुई। तो 48वीं रीजनल वर्कशॉप हुई और ये पूछा है किस जिले में हुई है, तो ये रीजनल वर्कशॉप कहाँ हुई, पंचकुला में हुई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, रत्नावली राज्य स्तरीय समारोह किस जिले में हुआ। एक राज्य स्तरीय समारोह हुआ है जिसका नाम है रत्नावली, और ये किस जिले में हुआ है, तो ये पूछा है ये कुरुक्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, कुरुक्षेत्र में रत्नावली जो है एक आयोजन किया गया, और ये जो है समारोह ये कुरुक्षेत्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स किस जिले में स्थित है। किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स किस जिले में स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिला हमारा धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, धर्म नगरी इसे कहते हैं। कौरवों पांडवों का संसार का सबसे बड़ा एक विशाल युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, और कुरुक्षेत्र के रण में यह युद्ध हुआ था। यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया था, जिसका आज हम अनुसरण करते हुए सुखमय जीवन जी रहे हैं। और अगर गीता का ज्ञान नहीं होता तो काफी हद तक हम जिंदगी जीने का तरीका नहीं सीख पाते। देखिए इसी तरह से कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर है और बिड़ला मंदिर है, यहाँ पर हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये मंदिर जो है बहुत ही बड़ा है और हरियाणा के सभी मंदिरों में से बड़ा मंदिर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र जिला ये जो है करनाल और अंबाला के बीच में कुरुक्षेत्र जिला आता है, तो बहुत ही बढ़िया जगह है। कुरुक्षेत्र की एक तरफ यमुना नगर है, दूसरी तरफ अंबाला है, और एक तरफ करनाल है और एक तरफ कैथल है। तो देखिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हरियाणा के कौन से दो खिलाड़ी सुल्तान जोहर कप जीतने वाली टीम में शामिल थे। तो हरियाणा के दो खिलाड़ी जो है सुल्तान जोहर कप हुआ था, उस कप को जीतने वाली टीम में हरियाणा के दो खिलाड़ी जो है शामिल थे, तो वो कौन थे, मनदीप और अमनदीप। ये दो खिलाड़ी जो हैं इस टीम में शामिल थे, जिसने क्या जीता था, जिसने सुल्तान जोहर कप जीता था। इस टीम में दो हरियाणवी खिलाड़ी शामिल थे, अमनदीप और मनदीप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र किस जिले में खोला गया है। हरियाणा का पहला डाकघर जिसमें निर्यात घर खोला गया है, जिसमें निर्यात केंद्र खोला गया है, हरियाणा का पहला ऐसा डाकघर किस जिले में है जिसमें निर्यात केंद्र खोला गया है, तो वो जिला कौन सा है, यमुनानगर। कौन सा जिला है, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बाल हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता। बाल हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता, ये पूछा है। तो ये खिताब जीतने वाले हैं, जगलान ने जीता है। बाल हरियाणा केसरी का खिताब जगलान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश के खिलाड़ियों को इमरजेंसी सुविधा देने वाला पहला पीजीआई बना है। देश के खिलाड़ियों को, हमारे देश भर के जितने भी खिलाड़ी हुए हैं सभी को हारी बीमारी में इमरजेंसी की सुविधा देने वाला एकमात्र पीजीआई बन गया है, और वो है रोहतक पीजीआई। कौन सा, रोहतक पीजीआई। क्वेश्चन नंबर 20 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, सरस्वती नदी और दी आर्यंस, सरस्वती नदी और दी आर्यंस ये पुस्तक किसने लिखी। तो दी आर्यंस और सरस्वती नदी पुस्तक ई लाल के द्वारा
सरस्वती नदी और दी आर्यंस नाम से पुस्तक लिखी है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा उपयोगी हैं। इन क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार इस वीडियो को चलाकर जरूर देखिए, आपको ये याद होने जरूरी हैं। और आप जितना जीके रीजनिंग को महत्व दे रहे हैं उतना ही महत्व आपको करंट अफेयर को भी देना होगा। प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर जरूर आता है और 10 से 12 नंबर का करंट अफेयर आपके एग्जाम में जरूर आएगा। हरियाणा की करंट अफेयर अलग से आएगी और केंद्र की करंट अफेयर जो है, राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो अलग से आएगी और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आती है। तो आप करंट अफेयर की वीडियो को भी ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। और इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं संजय कुमार फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद। पहले इस चैनल पर जो नए नए जुड़े हैं, पहले इस चैनल को देख लीजिए, परख लीजिए कैसा पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको अगर लगे कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान जो है रशीद खान बने हैं और ये अफगानिस्तान के हैं, 19 वर्ष के हैं, केवल 19 वर्ष के हैं, अफगानिस्तान के हैं रशीद खान और ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बन गए हैं किसी भी टीम के। क्वेश्चन नंबर 2 है, 105 विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ था? 105 विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है 16 मार्च को हुआ था मणिपुर के इम्फाल शहर में, मणिपुर के इम्फाल शहर में, और इम्फाल जो है मणिपुर की क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन में भारत का विद्युत उत्पादन है, यहाँ पर उत्पाद लिखा है ना, तो उत्पादन है यहाँ पर, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है विद्युत उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो भारत में विश्व का जो है विद्युत उत्पादन में 3रा स्थान है, 3रा, और ये हमारे लिए बहुत ही उत्कृष्ट, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है और एक दिन विकसित जरूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के महानदी जल विवाद के अध्यक्ष कौन थे? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी के जल को लेकर के विवाद चल रहा था, ये दोनों राज्य इसके नदी के जल को प्राप्त करने के लिए जो है विवादित थे। तो देखिए इस विवाद के आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह ग्राम पंचायत जिसे देश की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुना गया है, वह ग्राम पंचायत जो है जिसे देश की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुना गया है, शायद पश्चिम बंगाल है, देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का दिम्बरपुर गांव है, इसकी पंचायत को जो है देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माँ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माँ कार्यक्रम का उद्देश्य है स्तनपान को बढ़ावा देना, महिलाएं जो है अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं, ऊपर का दूध न पिला करके अपना दूध अगर पिलाती हैं तो बच्चे जो है तंदुरुस्त होंगे, माइंड से एकदम स्वस्थ होंगे और उनकी उम्र भी अच्छी लंबी होगी और उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा। तो इस योजना को चलाने का उद्देश्य यही है कि माएं जो हैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं और उसको बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, CHOGM 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो CHOGM 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई मैराथन जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? एशियाई मैराथन जीता है और वो भी प्रथम भारतीय बन गए हैं, कौन है, गोपी थोनाकल, तो प्रथम भारतीय बन गए हैं ये एशियाई मैराथन को जीतने वाले और इनका नाम है गोपी थोनाकल। एक ऐसा चिन्ह मिलेगा आपको राइट साइड में, देखना एक बार, ऐसा चिन्ह है ना, अंगूठा ऊपर की तरफ है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे ऐसे दबा देंगे, ये ऐसे ऐसे करेगा और ये थोड़ा कलरफुल भी होगा और फिर ब्लैक हो जाएगा, तो आप खुशियां मनाना।
खुशियां मनाना, खूब झूम झूम के हंसना, और ये आप एक तीर सही निशाने पर मार देंगे, तो ये आपका तीर जो है कहाँ लगेगा जाकर के, मेरे सर पर आएगा। और मेरे सर पे आने का मतलब ये है कि ज्ञान गंगा लेकर के हम सभी ऐसे ही चलेंगे। तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अब आपने जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, उन्होंने भी देख लिया होगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो कृपया करके वो भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 34 वर्षीय वंडर गर्ल मैरी कॉम किस राज्य से है? 34 वर्षीय वंडर गर्ल मैरी कॉम जो है कहां से है? देखिए ये रहा मणिपुर, है ना, मणिपुर राज्य से है। तो 34 वर्षीय जो वंडर गर्ल है वो जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 15वें वित्त आयोग की संतुतियां प्रभावी होंगी। 15वें वित्त आयोग की संतुतियां प्रभावी होंगी, कब होंगी? 2020 से लेकर 2025 तक, 2020 से 2025 तक जो है 15वें वित्त आयोग की संतुतियां प्रभावी होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरविंद केजरीवाल पर बनी चर्चित फिल्म का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर पर एक फिल्म बनी है और वह बहुत ही चर्चित फिल्म है, उसका नाम पूछा है। तो देखिए उसका नाम है एन इनसिग्निफिकेंट मैन के नाम से इस फिल्म का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 37 वर्ष बाद राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले मुगाम्बे किस देश के से संबंधित है? तो 37 वर्ष तक एक देश का राष्ट्रपति जो है 37 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है और 37 वर्ष के बाद वह अपने पद से त्याग पत्र देता है खुद ब खुद। क्यों देता है वो त्याग पत्र? क्योंकि सेना का विद्रोह होता है, सेना उसका विद्रोह कर रही है इसलिए। और इतने लंबे समय तक एक ही व्यक्ति को, एक ही राष्ट्रपति को सेना और पूरा देश जो है वो झेल रहा होता है इतना लंबे समय तक, तो उनकी कुछ नीतियां हैं, उनको रास नहीं आई और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से जो है राष्ट्रपति जी ने अपना पद त्याग दिया। और वो कौन है? मुगाम्बे। और कहां से हैं? जिम्बाब्वे से। कहां से? जिम्बाब्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा संचालित प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% सौर ऊर्जा संचालित प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है आपका दीव, दमन दीव सुना है ना, दीव है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधि चुना गया है? किस भारतीय को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधि चुना गया है? तो वो है ये जे एस राजपूत को यूनेस्को का जो है कार्यकारी प्रतिनिधि चुना गया है। किसको? जे एस राजपूत को। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकिस्तान में पहली अल्पसंख्यक महिला सांसद बनी है। पाकिस्तान में एक पहली जो है महिला है ऐसी जो अल्पसंख्यक वर्ग से आती है और वो क्या बनी है? सांसद बनी है पहली बार पाकिस्तान में। तो वो कौन है? कृष्णा कुमारी। कौन है? कृष्णा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं, भारत का प्रथम कैशलेस द्वीप कौन सा है? भारत का प्रथम कैशलेस द्वीप पूछा है जिसमें पैसा जो है कागजी रूप से नहीं लेन देन किया जाता और वहां जो है केवल इंटरनेट या नेट सर्फिंग के माध्यम से ही कैशलेस लेन देन किया जाता है, तो वो है करंग द्वीप। कौन सा है? करंग द्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 है, तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम क्या है? तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम है Mark III। क्या नाम है? Mark III। Mark III है, बनावटी वीडियो नहीं बनाता जी मैं, जो है आपके सामने है। और आपका भी मन स्टडी में लग जाता होगा मेरी वीडियो के साथ, आप प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुझे कमेंट करते हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है मेरे सभी। हे परमात्मा, जहां कहीं भी हो इस संसार को बनाने वाले मेरे स्टूडेंट्स को और आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्मारक मित्रा परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? स्मारक मित्रा परियोजना जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू की है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, नासा ने मंगल पर जो लैंडर भेजा है उसका नाम क्या है। तो नासा ने मंगल ग्रह पर जो लैंडर भेजा उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है इनसाइट। क्या नाम है? इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, डेविस कप 2017 का विजेता और उप विजेता देश कौन है। डेविस कप हुआ है 2017 का, उसका विजेता देश कौन है, फ्रांस है, और उसका उप विजेता देश कौन है, कौन है भाई, मैं तो भूल गया, बेल्जियम है, बेल्जियम, ठीक है। तो विजेता है फ्रांस और उप विजेता है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर 15वां वित्त आयोग पहले आ चुका है, इसकी संतुतियां जो है 2020 से 25 तक जो है प्रभावी रहेंगी। तो इसमें कहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन के सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत बांग्लादेश के बीच रेल योजना का नाम क्या है। भारत बांग्लादेश के बीच में एक रेल योजना शुरू हुई है, इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। इसका नाम क्या है, बंधन एक्सप्रेस, बहुत ही अच्छी योजना है। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 2017 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है। 2017 का इंदिरा गांधी पुरस्कार पूछा है किसे दिया गया है, तो वो है हमारे भूतपूर्व प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी 2017 का पुरस्कार दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है, और ये है 24वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, डासॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL द्वारा भारत में कहां अपना संयंत्र बनाया है। भारत में जो DRAL है, यानी कि डासॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है, इसने भारत में कहां पर अपना संयंत्र स्थापित किया है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। कहां? महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये याद करने हैं। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना है, फिर एक हफ्ते के बाद फिर से एक बार देख लेना है, फिर आप देख लेना कि भाई आपको याद कितना होता है, उसके अनुसार जरूरत पड़ती है तो फिर एक बार देख लेना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट टाइम में जो है वो याद हो जाती है। ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई बोर नहीं होगा, क्योंकि हमें हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, और नया सीखने के लिए जरूरी नहीं होता जो कान हमारे पहले से सुन चुके हैं वही सुने, जो पहले नहीं सुना हो वही सुनना चाहिए, उसी से ही ज्ञान वर्धन होता है, उसी से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोगों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, वीडियो में क्वालिटी मिलेगी, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो दिखावे की होती है, यहाँ बैकग्राउंड में कुछ हो और फिर आपको बैंड बाजा वगैरह जो है वो लगाया जाए वीडियो में दिखाया जाए, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा और नहीं आगे भी मिलने वाला है। और कभी जरूरत हुई तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन इतना दिखावा नहीं किया जा सकता कि जो सामने वाला उसको फंसाया जाए और फिर उसको जो ठगा जाए, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाता है, सच्चा यूट्यूबर वही है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो वीडियो बनाता है, अपने लिए नहीं। तो देखिए पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब आए हैं हमारे पास, और बड़े ही तीव्र गति से जवाब आए हैं, तो उनके विषय में मैं आपको बता देता हूँ किन किन स्टूडेंट्स ने जो है अपने जवाब मेरे पास भेजे हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं, तो देखिए नाम है उनके जिन्होंने पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के जल्द से जल्द जवाब दिए हैं। किसी ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब दिए हैं, तो किसी ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं। तो देखिए पहला नाम है मुकेश कुमार, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है जी आपने, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से आगे पढ़ते रहे और सक्सेस आपके कदमों में हो। फिर है निरंजन लाल जी हैं, बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं और बड़े ही तेज तर्रार स्टूडेंट भी हैं ये। और फिर इसके बाद भावना जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। काजल राव के द्वारा भी बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए जा रहे हैं। पंकज शर्मा के द्वारा भी जवाब दिए गए हैं। और फिर इसके बाद है मोहित चावला ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। और फिर है प्रियांशी जी ने भी जवाब दिए हैं, बहुत ही बहुत मुबारक हो आप सबको। और फिर अनिल कुमार जी हैं,
और अनिल कुमार जी के बाद भारत हरित हैं, ये झज्जर से हैं, बहुत ही तुरंत जवाब दे देते हैं, बहुत ही जल्दी से जवाब देते हैं। और फिर आगे हमारे जो नाम हैं वो हैं महाभारत के नाम से जो है इनका एड्रेस आता है, तो महाभारत ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। पंकज हैं, पंकज जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं। और फिर जतिन हैं, हाँ जतिन आप, आपका नाम हर वीडियो में आता है, तो जतिन ने भी जवाब दिए हैं। और फिर नितिन हैं, नितिन का नाम भी हर वीडियो में आता है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। फिर इसके बाद हनी हैं, हनी के द्वारा भी बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। हितेश, हितेश एक नहीं दो नाम हैं और दोनों ने ही सही टाइम पर एक ही साथ जवाब दिए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर सूर्य की तरह चमके इसी का। तो इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, आपका अपना चहिता प्यारा स्टडी चैनल स्टडी 888 अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।